नमस्कार, मेरा नाम मनीषा आर्य है। मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा उत्तराखंड की छात्रा हूँ। मैं अपनी मार्गदर्शक शिक्षिका श्रीमती सोनिका नेगी प्रवक्ता जीव विज्ञान के नेतृत्व में 47वीं जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी 2020 के मुख्य विषय सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत सतत कृषि पद्धतियों पर मैंने अपना ये मॉडल बनाया है। मैंने अपने इस मॉडल में कृषि की कुछ पद्धतियां दिखाई हैं जिन्हें अपनाकर किसान को लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि इनमें संसाधनों का दोहन असीमित रूप से नहीं होता है। आइए देखिए मेरे मॉडल की एक झलक। जल कृषि में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए मैंने वर्षा जल को स्टोर करके उसे कृषि में सिंचाई के रूप में यूज किया है। लेकिन सिंचाई करने के बाद भी और वर्षा होने के बाद भी हमारी जमीन सूखी है, क्योंकि जो उसमें भूमिगत जल का स्तर है वो लगातार घटता जा रहा है। इसलिए मैंने उस जल स्तर को बनाए रखने के लिए एक घर के जमीन में एक टैंक फिट किया है, जिसमें इस प्रकार से छेद होंगे जो जमीन के अंदर रहेगा और भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाएगा। अब हम देख रहे हैं कि सड़कें, रोड सब टाइल्स की बनती जा रही हैं, इसलिए जो पानी है वो सारा वेस्ट हो जाता है। तो मैंने इस प्रकार सड़कों के बीच जाली लगाकर उस बहते हुए पानी को स्टोर करके ड्रिप इरिगेशन के द्वारा उसे दिखाया है। ड्रिप इरिगेशन सिंचाई की एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके टपकाया जाता है। आज किसान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि वह कैसे भूमि में नमी का संरक्षण करे, तापमान नियंत्रण करे और कैसे जलवायु परिवर्तन से अपनी फसलों की सुरक्षा करें। जैसे कि मल्चिंग दिखाई है। मल्चिंग एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें पौधों की ऊपरी सतह पर एक पलवार बिछाई जाती है नमी संरक्षण के लिए। पलवार दो प्रकार की हो सकती है, जैविक या अजैविक। ज़्यादातर अजैविक पलवार का यूज़ किया जाता है। अब मैंने बनाया है जलवायु परिवर्तन से सुरक्षा के लिए पॉली हाउस, भूमिगत पॉली हाउस। हम इसमें तापमान व आर्द्रता का नियंत्रण करके ऊपरी वाले भाग में बेमौसमी फसलें व नीचे वाले भाग में हम मशरूम की खेती कर सकते हैं, माइक्रोब्स की खेती कर सकते हैं और माइक्रोब से हम माइक्रोबियल ब्रिक्स बना सकते हैं जो कि खाद को जल्दी सड़ाने में हेल्प करते हैं। आज किसान के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि वो कैसे बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन उपलब्ध कराए। मैंने इस समस्या का समाधान के अपनी इन पद्धतियों में किया है। अगर किसान मेरी इन पद्धतियों को अपनाता है तो वो अपने देश के लिए कुछ हद तक भोजन उपलब्ध करा सकता है। ये पद्धतियाँ हैं एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स और एकीकृत कृषि प्रणाली। एकीकृत कृषि प्रणाली कृषि की वह प्रणाली है जिसमें फसल उत्पादन, मवेशी पालन को इस प्रकार समेकित किया जाता है कि वे एक दूसरे के पूरक हो। जैसे कि हमने प्रथम भाग में फसलें उगाई और फसलों का जो खरपतवार बचा हमने नीचे मुर्गियों को खिला दिया, और जो मुर्गियों का अपशिष्ट पदार्थ बचा वो हमने नीचे मछली को खिला दिया। और अगर किसान ऐसी खेती करता है तो उसे बहुत लाभ होता है। देखिए, पहले प्रथम भाग से उसे फसलें अनाज प्राप्त हो रहा है, दूसरे भाग से उसे मुर्गियों से मांस व अंडे प्राप्त हो रहे हैं, तथा तृतीय भाग से उसे मछलियों से भी मांस प्राप्त हो रहा है। अब हम आते हैं हाइड्रोपोनिक्स में। हाइड्रोपोनिक कृषि की एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें जल में कृषि की जाती है। इसमें जल में ही पोषक घोल डाल दिए जाते हैं जिससे कि पौधे ग्रो करते हैं, और इसमें पानी की बहुत बचत होती है क्योंकि हमें बार बार पानी का यूज़ नहीं करना पड़ता है। अब हम आते हैं एरोपोनिक्स में। एरोपोनिक्स कृषि की एक ऐसी प्रणाली जिसमें एक कोहरे वातावरण में कृषि की जाती है। इसमें पौधों की जड़ें संपूर्ण अंधेरी में होती हैं, इसमें एक स्प्रे द्वारा पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं जिससे पौधे अपना पोषक तत्व लेते हैं और बढ़ते हैं। अब हम आते हैं रसोई घर में अपशिष्ट प्रबंधन। रसोई घर में दो प्रकार के कूड़ेदान होने चाहिए, अजैविक कूड़ेदान और जैविक कूड़ेदान। अजैविक कूड़ेदान को तो कूड़े वाली गाली ले जाती है, लेकिन जो जैविक कूड़ेदान है उसको हम एक गड्ढे में एकत्रित करके उसमें केचुए डाल के वर्मी कंपोस्ट, या हम अगर हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए तो हम उसमें माइक्रोबियल ब्रिक्स डाल के उसे जल्दी सड़ा सकते हैं। अगर हमें किसी कारण से जैविक खाद उपलब्ध नहीं हो रही है तो हम बायो कैप्सूल्स का यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम कैप्सूल्स को पौधों की जड़ों पर डालेंगे जिससे पौधे अपने पोषक तत्व ग्रहण करेंगे। अब मैंने बनाया है अपना स्वनिर्मित ग्रास कटर जो इस प्रकार कार्य करता है। अगर किसान चाहे तो वो घर में ही ग्रास कटर का यूज कर सकते हैं। अब हमने कृषि की, लेकिन कभी इसमें कारणवश, दुर्घटनावश आग लग जाती है तो हम अपने इस मॉडल में फायर अलार्म सेट करेंगे जो आग लगते ही बचने लगेगा। देखिए इस प्रकार। अब किसान, मेरे इस मॉडल का तात्पर्य यही है कि किसान कैसे सीमित संसाधनों, पूंजी के रहते और सीमित भूमि के रहते
कैसे अपने ऐसा उत्पादन करें जिससे कि उसे भी लाभ हो और उसके देश को भी लाभ हो। धन्यवाद।